हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जितने भी मेरे नीट एस्पिरेंट और आईआईटी जेई मेंस के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये आज इवनिंग में डिसीजन आया है। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो हम बात कर लेते हैं कि डिसीजन जो कैसे लिया गया है। तो इसके लिए एक कमेटी तैयार की गई थी और इसका एक कंट्रोल पैनल, एक पैनल बनाया गया था। अब उस पैनल में बहुत से ऐसे मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, जितना भी इंडिया में जो कोविड 19 जो सिचुएशन है उसको एसेस किया और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो आज शाम को उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर के सामने रखी। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड 19 के जो केसेज हैं वो कॉन्टिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये एग्ज़ाम कराया जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कमिटी पैनल था, उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर को बोला कि ये जो एग्ज़ाम है इसे आप पोस्टपोन कर लीजिए, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो केसेस है वो इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो एचआरडी मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम जो ये नीट का एग्ज़ाम है और जो जेई एडवांस और मेंस का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर देंगे। तो इन्होंने एक नई डेट निकाली, तो ये डेट भी क्या अभी टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब अगर जो कोविड 19 की जो सिचुएशन है अगर वो कंट्रोल में आ जाती है तब जाके ये जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं डेट पे कराया जाएगा। तो अगर हम बात करें डेट की, तो रमेश पोखरियाल ने बताया है कि जो जी मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो रहेगी बिटवीन 1 to 6 सितंबर। ओके, तो आपकी जो डेट होगी जी मेंस की, उस एग्जाम वो एग्ज़ाम जो होगा वो होगा बिटवीन 1 to 6 सितंबर। वहीं अगर बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस का जो डेट है वो है 27 सितंबर। ओके, तो ये हो गया जेई मेन और एडवांस की एग्ज़ाम डेट जो भी टेंटेटिव है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम की। तो नीट एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स की है 13 सितंबर को। ठीक है, तो नीट का जो एग्ज़ाम होगा वो 13 सितंबर को होगा। तो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब ये जो डेट है ये अभी टेंटेटिव है, अभी फिक्स की गई है। वैसे भी ये जो डेट है ये फिक्स है, लेकिन ये इसमें भी जो है ये चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी जैसे जो कोविड 19 केसेस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है अभी भी जो है पूरे वर्ल्ड में अभी भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, अगर सितंबर तक ये जो कर्व है इंडिया का अगर वो फ्लैट आए या स्टेबल हो जाता है तभी जाके एग्जाम होगा। अगर सितंबर में भी जो केसेस है अगर वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये डेट जो है वो दोबारा पोस्टपोन की जाएगी, कि क्योंकि उस टाइम भी सेम सिचुएशन होगी जो अभी सिचुएशन है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर सितंबर आते आते सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और भी डिफिकल्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो डेट है ये भी अभी टेंटेटिव, तो हम लोग को इस डेट को टेंटेटिव मानना चाहिए, ताकि इसके साथ ही साथ क्या होगा, जो और बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन अभी और कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी तो उनको और टाइम मिल गया है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने का। तो सितंबर यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास कितना है, जुलाई आज 3rd है, तो 3rd से जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट 2 months and 10 days मीन्स 70 days आपके पास अभी भी हैं। तो अगर आपने अपना कुछ सिलेबस जो है वो मिस कर दिया है या आपने अभी प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया है तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सोचा छोटा सा वीडियो था नीट एग्ज़ाम से के अपडेट से रिलेटेड। तो आप जो ये डेट है इसे अभी टेंटेटिव ही मानिए, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए, ताकि जब भी ये एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, अगर हम बात कर लेते और कि एग्ज़ाम कैसे आप प्रिपेयर करें, तो जैसे कि आपने अभी भी अपना मोस्टली जितना भी सिलेबस वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, जैसे कि सभी अभी आप मान के चल रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई को होने वाला था। ठीक है, लेकिन अब आपको ने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर रखी है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, या उन्होंने सिर्फ 50% जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो उन्हें अप्रॉक्स 2 months मिला है, मोर देन 2 months मिला है, तो वो इस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं और जो अपना एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो टेक्निक जो मतलब कि टिक यूज़ करनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, जिन्होंने अपना जो सिलेबस वो कंप्लीट कर लिया है वो क्या कर सकते हैं कि आप हर टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें और साथ ही साथ उसके जितने ज़्यादा MCQs हों वो सॉल्व करें। इससे क्या होगा, उनका जो टोटल कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वो बच्चे करेंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उन्हें अब बस रिवीजन करना है और साथ ही साथ हर टॉपिक का रिवीजन करिए और साथ ही साथ उसके जितने मैक्सिमम MCQs हैं वो सॉल्व करिए। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जो सिलेबस है वो
कंप्लीट कर लिया है। अब बात करें उन बच्चों की जिन्होंने अभी अपना 50% सिलेबस कंप्लीट किया, वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वो आप जितना हो वन मंथ के अंदर आप जितना हो सके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए और उसे ऐसे पढ़िए कि टोटली कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और उसके बाद आप भी वही स्ट्रिक्ट फॉलो करिए कि आप जितना जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक के MCQ जितने मैक्सिमम हो सके उतना सॉल्व करें ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बच्चे लास्ट के दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं तो आप लास्ट के 10 डेज में ऐसा करिए, जब भी 10 डेज बचे एग्जाम होने से 10 डेज पहले आप जितने MCQs है उसे अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कि नीट एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, तो अब आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है अपनी तैयारी करने के लिए। तो ये मेरा वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर करूँ जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय बाय।